अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ एक न्यू अमेजिंग सी फ्रेगरेंस लेके, समर फ्रेगरेंस लेके, विंटर्स के लिए भी है और यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, कोई भी लगा सकता है। बहुत ही प्रीटी एक्सक्लूसिव सी फ्रेगरेंस है, आप कह सकते हैं फ्रेश एंड स्पाइसी टाइप की फ्रेगरेंस है, जिसका नाम है मोंट ब्लैंक लेजेंड। ये कैसी फ्रेगरेंस है, इसके नोट्स कैसे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, हर चीज़ के वाले से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये किस कैटेगरी की फ्रेगरेंस है? ये बहुत ही प्रीटी क्लीन टाइप की फ्रेगरेंस है। एक्चुअली ये मेंस फ्रेगरेंस में शामिल होती है और आप कह सकते हैं जेंटलमैन फ्रेगरेंस है। सो जनाब मोंट ब्लैंक लेजेंड जो कि 2011 में ये बना था, लॉन्च हुआ था और इतने कम वक्त में ये इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी बन गई, इतना नाम हो गया। आई थिंक तकरीबन 10 to 11 years में इतनी ये ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी बन गई कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फ्रेगरेंसेस में इंक्लूड हो गई है। इसके नोट्स में बैरगोमट की फ्रेगरेंस आती है, लेमन की फ्रेगरेंस है, लेबिना की फ्रेगरेंस आती है थोड़ी सी, पाइनएप्पल की फ्रेगरेंस, बहुत अच्छी स्वीट टाइप की फ्रेगरेंस है। इसके मिडल नोट की बात करते हैं, इसके हार्ट नोट जो कहते हैं मिडल नोट, जो कुछ ही देर बाद समझ में पता चलता है कि फ्रेगरेंस है क्या। एक्चुअली टॉप नोट नॉर्मली काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन हार्ड नोट या बेस नोट में जाके फ्रेगरेंस लोगों को पसंद आती है कि यार वो हम पे सूटेबल रहेगी या नहीं। अच्छा जनाब, इसके मिडल नोट में रेड एप्पल की फ्रेगरेंस आती है, थोड़ी सी रोजेस की फ्रेगरेंस है, बल्कि एंड पे आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ही शार्प स्पाइसी रोज़ की फ्रेगरेंस है, जैसा टी रोज़ होता है वो फ्रेगरेंस आती है इसके मिडल नोट में। थोड़ी सी पैचोली की फ्रेगरेंस है, लेकिन वो स्वीट है, कड़वी नहीं है, शार्प नहीं है, बहुत अच्छी इसकी आइकॉनिक फ्रेगरेंस बन जाती है। आई थिंक दिस फ्रेगरेंस इज जस्ट फॉर आइकॉनिक पीपल। बेस नोट में टोंका बीन की फ्रेगरेंस आती है, सैंडलवुड की फ्रेगरेंस है जो कि बिल्कुल स्वीट हो जाती है। एक्चुअली इसका टॉप नोट इतना स्पाइसी नहीं है या तेज़ नहीं है, वेल बेस नोट में जाके मजीद बिल्कुल लाइट हो जाती है, वार्म नहीं रहती, ना ही वुडी टाइप बनती है, ना मस्की, ना टबैको टाइप, ये बिल्कुल सैंडलवुड की जैसा लाइट सी वुड की, आई थिंक सैंडलवुड की आपने फ्रेगरेंस चेक की हो, वो फ्रेगरेंस बन जाती है बिल्कुल लाइट सी, लेकिन फ्रेंट टोन्स में रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस बन जाती है एक्चुअली बेस नोट में। तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है, अगर वो कलोन में बात की जाए या इतर में बात की जाए, कलोन में जो इसकी ड्यूरेशन है वो 6 to 8 hours है समर में। अगर आप नॉर्मली इसको अप्लाई करते हैं 6 to 8 hours इसकी ड्यूरेशन रहती है कपड़े पे। एक्चुअली 5 tips मैंने आपको बताए हैं कि लॉन्ग लास्टर कैसे रखा जाता है फ्रेगरेंस को, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए 5 tips टू मेक योर फ्रेगरेंस लास्ट लॉन्गर। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप जाके चेकआउट कीजिए। ये आपने कपड़े पे लगाएंगे तो 6 to 8 hours रहेगी, अगर आप लगाते हैं स्किन पे फिर ज़रा ड्यूरेशन कम हो जाएगी। एक्चुअली जो फ्रेगरेंस है वो बनी कपड़ों के लिए, ना ही के स्किन के लिए। अब काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, अगर उनकी स्किन पे एलर्जी ना करे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्शन की बात करते हैं, इसकी प्रोजेक्शन 2 to 3 hours इसकी रहती है, पैड जो है इसकी वो 4 to 5 feet है, तो आई थिंक इनफ है यार कि दूर बंदे खड़े को फ्रेगरेंस फील हो, आई थिंक इट्स टू मच। वेल बहुत फेयर प्राइस है इसकी, इतनी हाई लेवल की प्राइस नहीं है। अगर आप इसका इतर लेना चाहें या ऑयल बेस को परफ्यूम में कन्वर्ट करवाना चाहें तो वो सबसे बेस्ट है ड्यूरेशन के लिहाज से। मैं जनाब समझ लें कि ड्यूरेशन जो है वो 18 to 24 hours के दरमियान रहेगा, जो आप परफ्यूम कन्वर्ट करवाएंगे, ऑयल बेस परफ्यूम को कन्वर्ट करवाएंगे, वो ड्यूरेशन के लिहाज से बेस्ट है, क्योंकि वो नॉन अल्कोहलिक होता है, उसमें अल्कोहल नहीं है, बिल्कुल क्वान्टिटी अल्कोहल की नहीं है, कॉन्सनट्रेटेड ऑयल है और साथ केमिकल है। वो आप कोई भी फ्रेगरेंस को कन्वर्ट करवा के आप बनवा सकते हैं, या परफ्यूम ले सकते हैं, कलोन ले सकते हैं, या खाली इतर यूज़ कर सकते हैं। सो विच वन इज़ बेस्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जनाब लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये फ्रेगरेंस पसंद आई है तो लाइक तो मस्त बनता है ना। और सेकेंडली ये कि जनाब आप व्हाट्सएप पर जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो रहा होगा, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे जाइए और वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं यार जनाब ऑर्डर कहाँ पे हमने देना है, सो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे जाके अपना ऑर्डर लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, एड्रेस आप लिखिए, इंशाल्लाह आपको प्लेस कर दिया जाएगा आपकी लोकेशन पे आपका ऑर्डर। और जनाब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह अमेजिंग फ्रेगरेंसीज आपके सामने लेके आने वाले हैं, काफ़ी रिव्यूज़ आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।